दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अरनॉल्ड श्वार्ज़नेगर जी के बारे में, जिनको कि आपने टर्मिनेटर जैसे हॉलीवुड मूवी में देखा होगा। और खासकर इनको पूरी दुनिया में जाना जाता है इनकी बॉडी बिल्डिंग की वजह से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरनॉल्ड की आज जितनी तगड़ी बॉडी है, वो बचपन में उतने ही ज़्यादा पतले थे। और इतने ज़्यादा पतले थे कि अरनॉल्ड के पिता को ये शक हो गया था कि अरनॉल्ड उनके खुद के बेटे नहीं हैं, जिस वजह से अरनॉल्ड के पिता अरनॉल्ड से चिढ़ा करते थे और साथ ही साथ खूब मारा भी करते थे। और यहाँ तक कि जब अरनॉल्ड के पिता की मौत हुई, तो कहीं ना कहीं इन्हीं सभी वजहों से अरनॉल्ड अपने पिता को एक बार देखने तक भी नहीं गए। और आज वहीं पे पतला दुबला सा लड़का अपने बॉडी बिल्डिंग की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो चलिए आइए जानते हैं दोस्तों अरनॉल्ड श्वार्ज़नेगर जी के बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में। दोस्तों कहानी शुरू होती है जब 30 जुलाई 1947 को अरनॉल्ड का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। अरनॉल्ड के एक बड़े भाई थे जिनका नाम मेनहार्ट था, और इन दोनों भाइयों के पिता एक पुलिसमैन थे जिनका नाम गुस्ताव था। और उन्होंने 20 अक्टूबर 1945 को अपने से 15 साल छोटी लड़की ऑरेलिया से शादी कर लिया था, जो कि ऑरेलिया अरनॉल्ड की माँ थी। अरनॉल्ड बचपन में सभी बच्चों की तरह नॉर्मल सी लाइफ जिया करते थे और उन्हें खेलना कूदना काफ़ी पसंद था, जिस वजह से ज़्यादातर वो फुटबॉल खेला करते थे। लेकिन वो फिजिकली काफ़ी ज़्यादा पतले दुबले थे। और वहीं पे अरनॉल्ड के बड़े भाई अपने पिता की तरह काफ़ी हेल्दी थे, और अरनॉल्ड की फिजिकल हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि कुछ समय बाद उनके पिता को उनसे नफरत होने लगी और अरनॉल्ड के प्रति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट व्यवहार किया करते थे। और अरनॉल्ड अपने पिता से कुछ भी शेयर किया करते थे या तो अपने प्रॉब्लम को बताया करते थे तो उनके पिता उनको इग्नोर कर दिया करते थे, और कभी कभी बहुत ज़्यादा होने पर अरनॉल्ड को बहुत पूरी तरह से मार दिया करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पिता को अरनॉल्ड की हेल्थ की वजह से उनको चिढ़ हो गई थी और उनको ये लगने लगा था कि शायद अरनॉल्ड उनका खुद का बेटा नहीं है, और अरनॉल्ड को काफ़ी हेट किया करते थे। लेकिन वहीं पे अरनॉल्ड की माँ अरनॉल्ड से बहुत प्यार करते थी क्योंकि वो छोटे थे और उनको प्यार की भी ज़रूरत थी। और एक बार की बात है कि 1960 में जब अरनॉल्ड 14 साल के थे, तो उनके फुटबॉल कोच ने टीम के सभी बच्चों को एक बार जिम घुमाने ले गए, और जब अरनॉल्ड ने जिम को देखा तो उन्होंने फैसला लिया कि उन्हें अपने कैरियर के लिए बॉडी बिल्डिंग को करनी है और ये सब खेल खुद को बिल्कुल छोड़ देना है। लेकिन उनकी माँ चाहती थी कि अरनॉल्ड बाकी बच्चों की तरह वो स्कूल में पढ़ें, और वहीं पे उनके पिता चाहते थे कि अरनॉल्ड उनकी तरह एक पुलिसमैन बने। लेकिन सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने बॉडी बिल्डिंग को काफ़ी सीरियस ले लिया था, और उनको बॉडी बिल्डिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था कि वो बॉडी बिल्डिंग के बारे में काफ़ी गहराई से जानना चाहते थे, जिस वजह से अरनॉल्ड अपने आइडियल बॉडी बिल्डर के मूवी को लोकल मूवी थिएटर में देखने चल जाया करते थे, जिससे कि उन्हें थोड़ी मोड़ी इंस्पिरेशन मिल जाती थी। और अरनॉल्ड बॉडी बिल्डिंग को इतना लगन और मेहनत के साथ किया करते थे कि जब तक जिम बिल्कुल बंद नहीं हो जाती थी, तब तक वो जिम में एक्सरसाइज को किया करते थे। और यहाँ तक कि कभी कभी स्पेशली अरनॉल्ड के लिए जिम को देर देर तक खुला रहना पड़ता था। और एक इंटरव्यू में अरनॉल्ड का ये कहना था कि अगर वो एक भी दिन जिम नहीं किया करते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि वो बीमार पड़ गए, जिस वजह से उनका सारा का सारा फोकस और डेडिकेशन सिर्फ और सिर्फ जिम पे था। और 20 मई 1971 की बात है कि अरनॉल्ड के बड़े भाई मेनहार्ट दारू पीकर गाड़ी चला रहे थे, जिस वजह से मेनहार्ट की मौत एक कार एक्सीडेंट में तुरंत की तुरंत हो गई थी। लेकिन अरनॉल्ड एक बार भी अपने बड़े भाई मेनहार्ट को देखने तक नहीं गए, और यहाँ तक कि ना ही उनके कब्र में। और करीबन 1.5 साल बाद ही 13 दिसंबर 1972 में उनके पिता की भी मौत ब्लड ना फ्लो होने की वजह से हो गई थी, और अरनॉल्ड इस बार भी अपने पिता के कब्र में नहीं गए। लेकिन जब ये बात अरनॉल्ड से इंटरव्यू के दौरान पूछा गया, तो अरनॉल्ड का ये कहना था कि वो बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनके पिता उन्हें एक दुश्मनों की तरह व्यवहार किया करते थे और दुश्मनों की तरह मार भी दिया करते थे, कभी बाल नोच दिया करते थे तो कभी जानवरों की तरह बेरहमी से बेल्ट से मार दिया करते थे, जिस वजह से अरनॉल्ड को उनके व्यवहार से नफरत होने लगी थी। और अरनॉल्ड मेहनत तो किया ही करते थे और साथ ही साथ छोटे मोटे लोकल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट भी किया करते थे, और अक्सर उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती थी, और अपने लोकल जगह पे अरनॉल्ड काफ़ी फेमस भी हो गए थे, जिस वजह से सिर्फ 19 साल की उम्र में 1966 में अरनॉल्ड को मिस्टर यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने को मौका मिला। और अरनॉल्ड ने पार्टिसिपेट किया और कॉन्टेस्ट में जज के द्वारा अरनॉल्ड को सेकंड रैंक पर रखा गया, लेकिन उसमें से एक ऐसे जज ने जिनका नाम
चार्ल्स बेनेट था, उनको अर्नोल्ड के अंदर कुछ अलग बात दिखी और उन्होंने अर्नोल्ड को अप्रोच किया और बोला कि अब से मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। और अर्नोल्ड अपने जज चार्ल्स के साथ रहा करते थे और काफ़ी मेहनत और संघर्ष करने के बाद अगले साल 1967 में अर्नोल्ड ने अपने नाम मिस्टर यूनिवर्स कॉन्टेस्ट को हासिल कर लिया था, जो कि अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर दुनिया में सबसे कम उम्र में मिस्टर यूनिवर्स को कॉन्टेस्ट करने वाले यंगस्टर बन गए थे। और इसके बाद अर्नोल्ड की ज़िंदगी बदल गई और उन्होंने दुनिया को ये सिखाया कि आपकी परेशानी ही आपकी सक्सेस है, क्योंकि अगर अर्नोल्ड के पिता अगर अर्नोल्ड को हेट नहीं कर रहे होते हैं तो आज अर्नोल्ड भी कहीं ना कहीं सरकारी जॉब कर रहे होते हैं। मुश्किलों को ध्यान से देखो और मुश्किलों पे काम करना सीखो, क्या पता आपकी मुश्किल ही आपकी सक्सेस बन जाए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जी के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे भी थोड़ी मोड़ी मोटिवेशन मिल जाए और मैं आप सभी के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं। और हालांकि इस वीडियो का डिमांड मेरे एक सब्सक्राइबर ने किया था, और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर स्टोरी इंटरेस्टिंग रही तो वीडियो आज नहीं तो कल जरूर आएगी। इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।